उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरानी बोधत राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड दस स्पेक स्वामी विवेकानंद जी आई ऑन बिहाफ ऑफ अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विशेज यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी एंड एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ऑल द रिस्पेक्टेड ऑफिस बियरर्स ऑफ अधिवक्ता परिषद हु हैव जॉइंड दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री and the state to celebrate this auspicious occasion. I also extend a warm welcome to learned advocates, members of teaching faculty, dear students, and all my friends who are with us on the celebration of National Youth Day, remembering and cherishing a revolutionary sage, guiding not only the youth of this nation, but people of all age groups, gender, creed, and sects across the globe. Today, on this auspicious occasion, we are blessed with the presence of Swami Atma Shraddhananda, Reverend Swamiji from Ramakrishna Mission. Now, I request Advocate Prem Singh, State Vice President of Adivakta Parishad, Himachal Pradesh, to welcome and introduce Swami Atma Shraddhananda to our respected audience. Over to you. Dhanyawad ji. आज के इस भव्य कार्यक्रम में मैं अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं कि अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश को आज ये क्षण मिला है कि हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व महान आत्मा और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अपने सनातन हिंदू संस्कृति के आलोक से ना कि भारतवर्ष को बल्कि दुनिया के हर कोने को आलोकित किया था और बहुत ही कम आयु के एक अपने जीवन काल में उन्होंने जो आयाम स्थापित किए पूरे विश्व भर में वो आयाम वो मार्गदर्शन वो मैसेजेस वो संदेश आज भी हमें कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन में व्यवसायिक जीवन में और किसी भी तरह के हर क्षेत्र में हमें आज प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही व्यक्तित्वों के आज लगभग शताब्दी डेढ़ शताब्दी के पश्चात भी आज हम इस व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्वों को याद कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में आज ये कार्यक्रम उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष पर हम आयोजित करने का हमें गौरव मिला है। तो इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में स्वामी आत्मा श्रद्धानंद जी जिनका मूल नाम पंकज महाराज जी है। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपका स्वामी जी आपका परिचय अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश की ओर से सभी श्रोताओं के बीच में रखूं। वैसे तो जिस नाम के आगे स्वामी लग जाता है उस व्यक्तित्व को आगे कोई परिचय का मोहताज नहीं रहता है। स्वामी नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी औपचारिकता के तौर पर मैं स्वामी जी आप 1999 से बेंगलोर सेंटर के रामकृष्ण मोनेस्टिक ऑर्डर आपने ज्वाइन किया था 1990 में और वहां से आपको जो सन्यास का वहां पर एक उपाधि रहती है 1999 में 1999 में आपको वो उपाधि वहां से मिली। उसके बाद आप बेंगलोर में मैसूर सेंटर में रामकृष्ण मठ में 13 साल तक रहे। उसके बाद बेलूर मठ में आप 2 साल रहे और इसी प्रकार आप 2004 से लेकर 2016 तक बेंगलोर और मैसूर मठ में आपने अपनी सेवा दी है और उसके बाद आप चेन्नई रामकृष्ण मठ में भी आपने अपनी सेवा दी है। वहां पर आपने वहां पर एक पत्रिका जो कि वर्षों से एक शताब्दी से वहां पर निकल रही है उसके आप एडिटर रहे हैं जिसका नाम वेदंता केसरी के नाम से एक जो मैगजीन है पत्रिका है ये कल्चरल स्पिरिचुअल और अन्य विषयों पर मासिक चलती है और आपने बहुत सारी किताबों को प्रकाशित भी किया है लेखक भी रहे हैं आप उनका मुद्रण भी किया है और कहीं ना कहीं आपने उनका ट्रांसलेट भी उनको किया है जो कि स्पिरिचुअल लाइफ पे इंडियन कल्चर पे तथा हायर वैल्यूज पे वो बुक्स रही हैं। आप
विवेकानंद स्टडी सर्कल आईआईटी मद्रास में भी आप एक गाइड के तौर पर 12 साल तक रहे हैं, जहां पर हर रविवार को आप स्टडी सर्कल में आईआईटी के स्टूडेंट्स को, वहां के फैकल्टीज को का मार्गदर्शन करते रहे हैं। आप मोनेस्टिक गाइड रहे हैं मोनेस्टिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर रामकृष्ण मठ बेलूर मठ में 2 साल तक, और वर्तमान में आप सचिव हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे एक जिनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है और जिनका जीवन अध्यात्म में ही नहीं कल्चर में स्पिरिचुअल लाइफ में हम सबको आलोकित कर रहा है, आज ऐसे व्यक्तित्वों के माध्यम से हमें जो विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी के संदेश जो उन्होंने अपने जीवन काल में हमें छोड़कर गए हैं, आज उन्हीं संदेश को लेकर हमें आज आपका मार्गदर्शन मिलेगा। स्वामी आत्मानंद सदानंद जी, ओवर टू यू। आई हम्बली रिक्वेस्ट रेवरेंट स्वामी आत्मश्रद्धानंद टू गाइड एंड एनलाइटन अस थ्रू हिज डिस्कोर्स ऑन टुडेज सब्जेक्ट, दैट इज स्वामी विवेकानंद एंड हिज एटर्नल मैसेज और पर्सपेक्टिव। ओवर टू यू स्वामी जी। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू शिवम जी, थैंक यू प्रेम जी एंड थैंक यू अमित जी। आप सबने बड़े ही प्रेम से हमें इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। सो आई शैल बी स्पेंडिंग सम टाइम विद यू द नेक्स्ट 40 मिनट्स स्पीकिंग अबाउट स्वामी विवेकानंद। तो मैं हिंदी और इंग्लिश में आई विल गो अप एंड डाउन एंड आई विल ट्राई टू रिमेन फोकस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। उससे पहले मैं प्रारंभ करूँ, मैं स्वामी विवेकानंद को संस्कृत में एक प्रणाम मंत्र से उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। टुडे इज 12th January। Today is the 160th birthday of Swami Vivekananda, rather yesterday. हम स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 2 दिन मनाते हैं, वी एट द रामकृष्ण मिशन ट्रेडिशन। एक तो 12th January को जब स्वामी जी का जन्म हुआ 1863 में, और बाकी जो है तिथि के अनुसार, जो पंचांग के अनुसार उनका जन्म इस साल 25 जनवरी को पड़ेगा। सो वी विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑन 25th बाय डूइंग पूजा, हवन, संकीर्तन, स्पेशल भोग, प्रवचन एंड रीडिंग फ्रॉम कठोपनिषद एंड हिज बायोग्राफी एंड हिज टीचिंग्स। वो रामकृष्ण मिशन के प्राय सभी सेंटर्स में होता है। और आज का दिन मतलब 12 जनवरी का जो दिन है, लगभग एक सप्ताह के लिए हम स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं उस पर चिंतन करते हैं। वी ट्राई टू डू इट इन वेरियस वेज, लाइक कंडक्टिंग वर्कशॉप, लेक्चर, समटाइम्स ब्रिंगिंग आउट बुक्स। इस बार हमने अपने बहुत से आश्रमों में वी हैव यू नो लाइटेड अप द बिल्डिंग्स ऑल्सो इल्यूमिनेटेड, जैसे दिवाली में हम बाहर की लाइट लगाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ भी लगाई है। एंड सो इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन, अ मैटर ऑफ जॉय दैट स्वामी जी का जन्मदिन है। एंड 38 ईयर्स बैक ऑन इन 1984-85 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड स्वामी जी बर्थडे एज नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। तब से ये दिवस और भी अत्यंत ही श्रद्धा के साथ स्कूल कॉलेजेस जहां जहां युवा वर्ग की कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे मनाया जाता है, हमारे आश्रमों में भी किया जाता है ये। सो दिस इज द ओकेशन वी आर ऑल मीटिंग फॉर दिस वेरी होली एंड वेरी वंडरफुल ओकेशन। सो I would like to discuss with you Swamiji's message, but before the message, I will divide my talk into 2 parts.
So the first part, I will give a small introduction about his life in a very short way, brief. Or remaining part, we will discuss about his message. So his life was very short life. आजकल की दृष्टि से देखें तो he did not even complete his 40th year. He was born in 1863 and passed away in 1902, which means around 39 and a half years. तो इस छोटी सी उम्र में स्वामी जी एक्चुअल एक्टिव लाइफ पब्लिक लाइफ में रहे होंगे लगभग अराउंड 10 इयर्स और लिटिल लेस देन दैट अराउंड 8 और 9 इयर्स. बिफोर दैट इट वाज अ लाइफ व्हिच इज अ वेरी रिमार्केबल लाइफ. कितने लोगों को ये इंस्पायर कर चुकी है और करेगी. स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था कि मेरे विचार अगर किसी के मन में प्रवेश करेंगे तो उसको अवश्य परिवर्तित करेंगे. एंड आई विल कंटिन्यू टू इंस्पायर मैनकाइंड अंटिल मैन नोज दैट ही इज वन विद गॉड, मतलब एटर्निटी तक. सो दैट्स व्हाई वी हैव चोजन द सब्जेक्ट फॉर टुडेज सब्जेक्ट एज स्वामी विवेकानंद एंड हिज एटर्नल मैसेज, उनका सनातन सत्य जो उपदेश है. सो स्वामी जी वॉज बॉर्न इन ए वेरी इंटरेस्टिंगली इन द फैमिली ऑफ लॉयर्स. So his father was a lawyer. उस जमाने के विश्वनाथ दत्त जो थे उनके पिताजी वो एक जाने माने वकील थे. एंड मदर वॉज ए डिवोटेड हाउस वाइफ. एंड ऐसा विश्वास है जैसा कि हिंदू पेरेंट्स में होता है कि एक संतान लड़का होने से अच्छा होगा. तो उनकी माँ की बड़ी इच्छा थी. ऑफकोर्स ही हैड सिस्टर्स ऑल्सो. उन्होंने प्रार्थना की थी ऐसी माँ ने. और इधर काशी में वीरेश्वर शिव मंदिर जो है उस मंदिर में वो उनके घर की कोई जानने वाली कोई महिला वहां पे पूजा करती थी. एक साल तक पूजा की और तब स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ. सो ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज ए वन हु इज बॉर्न बिकॉज द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा. सो हम उनको वीरेश्वर शिव के नाम से भी बड़े श्रद्धा से बुला सकते हैं. आत्मवीरेश्वर शिव जो काशी में है, पुराना मंदिर है, पुराणों में उसके बारे में लिखा हुआ है. तो स्वामी जी का जन्म उसी भगवान शिव की कृपा से हुआ. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत सी चीजें हैं स्वामी जी के जीवन के बारे में. एक छोटे से लेक्चर में 40 मिनट में तो सब कुछ किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता. कुछ हद तक मैं कुछ बताऊंगा जो हमारे लिए प्रासंगिक हैं, दे आर रेलेवेंट फॉर आवर डिस्कशन. तो because he was a very very restless and very energetic boy as a child, so maa ko bada mushkil hota tha how to control this little boy. So it is said that bahut kuch method maa ne adopt kiye lekin wo control mein nahi aate the. Chote bacche the to maa unko pakad ke ek din kya kiya, pakad ke le aaye aur kehne lagi maine to bhagwan shiv se उनका आशीर्वाद चाहा था लेकिन भगवान ने तो एक दानव भेज दिया. और ऐसा करके उन्होंने एक पानी का एक लोटा उठाया और उनके सिर पे थोड़ा पानी डाला और बोला शिव शिव शिव. व्हाट ए वंडर. स्वामी इमीडिएटली बिकेम काम एंड क्वाइट एज अ लिटिल बॉय. और ये मेथड माँ उनको अडॉप्ट करती थी जिससे कि वो उनको शांत रख सके. सो ही वॉज ए वेरी एनर्जेटिक, वेरी क्यूरियस, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी गिफ्टेड बॉय. He was the kind of leader or the hero of his group also. Then he grew up and he came to college. उस समय उनके जीवन में एक आमूल परिवर्तन आया. He became an intellectually interested in life, various things in life. And today also all the youth do it, but in Swamiji's case it was still more intense. So he read all the Western philosophy books. उस जमाने में जो जो भी बड़े प्रसिद्ध Western philosophers होते थे, जो ट्रेडिशनल फिलोसफर्स हैं उनकी किताबें पढ़ी. मोस्ट ऑफ देम आर एग्नोस्टिक्स. इफ यू आर ऑफ कोर्स दे रेफर टू गॉड, बट दैट्स आल्सो ए क्रिश्चियन अप्रोच टू गॉड. व्हाटएवर दे आर यू नो इंटेलेक्चुअल्स एंड दे हैव देयर फिलोसॉफिकल अप्रोच टू रियलिटी. तो स्वामी ने जो पढ़ा एज ए यंग बॉय ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. ही वॉज डिस्टर्ब्ड बिकॉज एवरीबडी सेइंग दैट देयर इज गॉड इज ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड. The product of the consciousness is also a product of brain.
सो ही वॉन्टेड टू नो इफ देर इज एनी गॉड. तो बहुत लोगों से पूछा उन्होंने. उन्होंने वहां पे कलकत्ता में उस समय जो भी लोग होते थे उनसे अपने ढंग से स्वामी जी ने उनके पास गए और पूछा, क्या महाशय आपने भगवान को देखा है? हैव यू सीन गॉड? नन ऑफ देम नो डायरेक्टली कुड से दैट आई हैव सीन गॉड. सो स्वामी जी फाइनली रीच श्री रामकृष्ण, जो उनके गुरुदेव बाद में हुए. श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर नाम के एक काली मंदिर में रहते थे. अर्लियर ही यूज्ड टू डू पूजा, बट लेटर ही वॉज नॉट एबल टू डू पूजा बिकॉज ही वॉज सो इंटेंसली एब्जॉर्ब्ड इन गॉड. बट ही वॉज सो रिस्पेक्टेड दैट द टेम्पल अथॉरिटीज felt blessed that he is in the temple, stays in one of the rooms and the devotees come to him and he is engaged in his own apni sadhana mein lage rehte. So Swami ji ne unke bare mein suna tha because Shri Ramakrishna was being known. Keshav Chandra Sen ne unke vishay mein likha tha apne paper mein. That's how people came to know about Shri Ramakrishna. So as a young boy of 19 or even less, he went to Shri Ramakrishna aur pucha ki mahashay aapne bhagwan ko dekha hai? Unhone kaha haan maine dekha hai. So that was like in a clean bolt. Are it is somebody who says that I have seen God. So it is a direct evidence, not indirect evidence. Then Sri Ramakrishna said, but who wants God? You also can see God, but who wants to see God? People want things of the world. They don't want to see God. So the result was, Swamiji was, and Narendranath Datta, that was his name. So he was very much pleased with Sri Ramakrishna's answer. Shri Ramakrishna won his heart, but it was not as simple as that he became a disciple. उन्होंने पहले अपने गुरु की बहुत बार मतलब उनको एक प्रकार से परीक्षा की. कभी कभी he examined him very minutely. He almost called him as a madman because Shri Ramakrishna समाधि में चले जाते थे, बोले he must be a madman. So all this went on for quite some time. Then he understood his greatness and for a couple of years, that divine love and ideal teacher and ideal student, that relation continued. And after several years, period of sadhana, that period of training, the young Naren was being transformed, you know, slowly. Meanwhile, his father passed away. Pehle wo vishwas nahi karte the ki Bhagwan ko murti mein puja kiya ja sakta hai. Kyunki us zamane mein Brahmo Samaj ke member hote the. And Brahmo Samaj will not believe in these things. But then, one day, Sri Ramakrishna totally transformed him. By simple one thing that Swamiji kehte the ki, I have my father passed away, I am so much in need. So, can you help me? Jao, tum Ma Kali se prarthana karo. He went and prayed and just could not pray for anything. Bas itna hi kaha. कि ओ माँ गिव मी शुद्धा भक्ति विवेक वैराग्य एंड ही केम बैक. तीन बार ऐसा हुआ. बट व्हेन ही कुड नॉट प्रे फॉर दिस एंड श्री रामकृष्ण सेड ऑल राइट योर बेसिक थिंग्स विल बी मेट इन द लाइफ बट यू हैव एक्सेप्टेड डिवाइन मदर दैट्स अ ग्रेट थिंग. पहले वो डिवाइन मदर को नहीं एक्सेप्ट करते थे. सो दैट वॉज अ नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस आर देयर. फिर कुछ सालों बाद श्री रामकृष्ण देव चल बसे, महासमाधि जिसको हम कहते हैं. और उसके बाद विद इन फ्यू मंथ्स स्वामी जी अब बरानगर में रहते थे. यू नो ही लेफ्ट हिज पेरेंट एंड ही वाज स्टेइंग इन एज ए मॉन्क विद हिज पेरेंट. मींस हिज ओनली मदर वाज देयर एंड अदर्स वर एट होम. फादर हैड पास्ड अवे एंड अ लॉट ऑफ लिटिगेशन एट होम, लॉट ऑफ लिटिगेशन. एंड स्वामी जी हैड टू फेस दिस लिटिगेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसके बाद में स्वामी जी जब आ गए in the Varanagar Math, that was the first thing he started. Then, after that, about for 6 years, he was going around the country. He visited various places as a wandering monk, as a simple sadhu moving around. So that gave him an extraordinary understanding of several things. First, he understood India very well. Bharat aur Bharat ka jo itihas hai, Bharat ki jo civilization hai, culture hai, जो कस्टम्स हैं, मैनर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, द गुडनेस ऑफ द पीपल, द बेसिक भारतीयत्व एंड बेसिक रिलीजन. मच लेटर स्वामी विवेकानंद सेड रिलीजन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया. डिफरेंट कंट्रीज हैव गॉट डिफरेंट बैकबोन्स बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया इट इज रिलीजन विच इज अ बैकबोन.
Swami Vivekananda said it very strongly when he came back in from America in 1897. We'll come to that later. So, ek to ye Swamiji ka understanding. Dusla, he saw the humanity, how they are suffering, the poverty that is in India, and so much of exploitation which was happening for the lower classes and the how upper classes was trying to do that. And also, he saw the social, samajik kuritiyan hoti hain. बहुत अच्छी तरह से स्वामी जी ने उसको बड़े ध्यान से देखा. फॉर इंस्टेंस ही वेंट टू केरला. केरल में जब गए थे स्वामी जी, वहां पे उन्होंने देखा कि अनटचेबिलिटी वाज एट इट्स पीक. इतना कि कोई व्यक्ति अगर देखा, उन्होंने एक व्यक्ति आ रहा है विद ए स्टिक अनाउंसिंग हिमसेल्फ. उन्होंने पूछा ये क्यों ऐसे कर रहा है. बोले इसलिए क्योंकि ये पेरिया, मतलब वहां की जो छोटी जाति का व्यक्ति है, अगर इसकी छाया किसी के ऊपर पड़ गई तो उसको फिर स्नान करना पड़ेगा. स्वामी जी से इट्स अ ल्यूनेटिक असाइलम. यू नो इवन टुडे इन केरला न्यूज़पेपर्स में कभी कभी केरल के बारे में कुछ लिखते हैं तो लोग इसको रेफर करते हैं कि स्वामी विवेकानंद कॉल्ड केरला एज ए ल्यूनेटिक असाइलम. एनीवे, इस तरह की बहुत सी बातें. ही मिस्ट डिफरेंट राजास, ही स्टेड विद राजास, ही स्टेड विद वेरी लर्नेड पीपल, वेरी पुअर पीपल, विद सो कॉल्ड अनटचेबल्स. ही स्टेड इन द आर समटाइम्स सिंपल इन ओपन स्काई. ही वाज इवन परस्यूड बाय द ब्रिटिश पुलिस. डिफरेंट इंसिडेंट्स हैपेंड. इट्स वेरी रिमार्केबल टू गो थ्रू हिज टू वॉल्यूम बायोग्राफी. दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गो थ्रू दैट इन इंग्लिश. हिंदी में भी है उसके, इंग्लिश में भी है. उसके बाद ही अराउंड एट द एंड ऑफ हिज ट्रैवल समटाइम्स इन 1892 ही वेंट टू कन्याकुमारी एंड देयर ही मेडिटेटेड ऑन द बिग रॉक इन द सी शोर विच वी कॉल नाउ एज विवेकानंद रॉक. एंड देयर ही डिसाइडेड दैट ही विल गिव हिमसेल्फ फॉर द कंट्री, फॉर हिज रिलीजन, फॉर हिज कल्चरल आइडेंटिटी सो टू से इन टुडेज लैंग्वेज, एंड ही विल कैरी द मैसेज ऑफ इंडिया टू द वेस्ट, विच वॉज ए हिस्टोरिक डिसीजन. उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि भारत से कोई अमेरिका जाएगा. एनीवे, स्वामी जी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी हाउ डिवोटीज गैदर्ड मनी. स्वामी जी के पास कोई इंट्रोडक्शन लेटर नहीं था. एनीवे, जहाज में बैठ के वो अमेरिका गए. रस्ते में वो ही हैपन टू मीट जमशेद जी टाटा, विच इज दैट मीटिंग फाइनली लेड टू जमशेद जी टाटा सेटिंग अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज इन बैंगलोर. There's a long story about that. It's a wonderful story of how Swamiji inspired him to do that. Phir America mein, Chicago mein, he focused, he spoke there. At that time also he was not, you know, introduced to, he didn't have a proper introduction letter because Hinduism is so very disorganized. Even today it is disorganized, but at that time it was much more disorganized. So, jo organizers the, unko pata nahi tha ki kisko likhe. Whom shall we call as a representative of Hinduism? So finally, Swamiji met the one famous professor of Greek from Harvard University. And professor, he asked, Swamiji, Swami, you are here for what purpose? He said, I am here to speak at the Parliament of Religions, which is being held to commemorate 400 years of the founding of United States of America. Okay. But the problem is I don't have introduction, Swamiji said. So, uski reply mein unhone kaha, Swami, to ask your right to speak is like asking the sun its right to shine. Which means if you don't speak, agar aap nahi bolenge, to aur kaun bolega? Jaise surya to jaise prakash deta hai, usko puchna nahi hota main prakash doon ki na doon. So, and he wrote a letter and said that, here is a man who is more learned than all the learned people of America put together. That was a remarkable introduction. And Swamiji did finally go to Parliament of Religions and spoke there. You know, ye jitna maine abhi aapko batlaya hai, Swamiji ka West ka, Western country mein jana, bolna. There is a Western lady used to be there, Miss Mary Louis Burke. Unhone isko par baad mein thorough research kiya. And she came up with 6 large volumes. It is called Swami Vivekananda in the West, New Discoveries. So those who are interested in making a research into that can read that. Uske kuch din baad, maybe 20 years later, Mr. Asim Chowdhury, he also came up with
another book, New Discoveries, and which also is around 1,000 pages. So Swamiji ke jeevan mein bahut si ghatnaen Western country mein ghati hain. Anyway, Western country mein wo 4 saal rahe, 1893 to 97. 4 se jo bhi thoda zyada hi saal the. And then he came back to India and he traveled from Colombo, which was part of the British India at that time. He came to Rameshwaram, then he came to different centers, you know, cities in Tamil Nadu. Chennai mein unka bada bhavya swagat hua. Aur bhi jagah pe bhavya swagat hua. Main is sabko kyun bata raha hu? Kyunki we seem to forget his divine presence in our motherland. We think he's only just a small, a thinker kind of a thing. He's not just a thinker. He's the very soul of India. He's a Bharat Atma. This is what Holy Mother Sarada Devi, Shri Ramakrishna Dev ki jo dharmapatni thi, unhone kaha tha. And then Swamiji came to Kolkata in 1897 and he founded the Ramakrishna Mission. Ramakrishna Mission ki sthapna ab 125 saal ho gaye. This year we are going to celebrate. The government of India is also is all keen to do that. A committee has been formed and we hope to have a large function at Belur Math, our headquarters. Hopefully the Prime Minister also will come there. So, abhi jo Ramakrishna Mission hai, uski lagbag 230 ke lagbag branches hai. Out of which we have around 170 branches in India. Or even more in India. In Indian branches, in Himachal Pradesh, we are fortunate to have one branch in Shimla and Chandigarh. And now in Gurgaon, one is coming up, Delhi. And in different South Indian states and in UP, we have 6. And I am in Kanpur Ramakrishna Mission, which was started in 1931. So it is a very old organization, which is having, we are having a hospital, we are having schools, colleges, and silently, the silent work is the one hallmark which Swami Vivekananda guided the Ramakrishna Mission to do. After that, you know, he visited different cities in India, gave lectures, and those lectures are compiled as a book called Swami Vivekananda, Lectures from Colombo to Almora. They very clearly, Swamiji analyzes the Indian situation in all smallest, minutest details in that. Keeping in mind the Shastras, the history, keeping in mind the need of India, where we have gone wrong and where we have been wonderful, both things. Kahan pe humko parivartan lana hai. So, no wonder this book used to be with the freedom fighters in those days. Netaji Subhash Chandra Bose was very fond of that book. And it's available online also, you can say, Swami Vivekananda, Lectures from Colombo to Almora, or Swami Vivekananda ka Bharat mein Swami Vivekananda, Hindi mein uska jo translation hai. Swamiji went to the West second time in after 2 years, 98 and 99. And again, a few months he was there and came back. And in 1902, he passed away at Belur Math. So at the age of 39 and a half. During this short life, he has left with us, his, of course, his own life is very inspiring. And his message. So message, you can see it is in 9 volumes. These 9 volumes are known as the complete works of Swami Vivekananda. Uska Hindi mein translation bhi hai. In fact, the translation is in around 7 or 8, 10 languages in India itself. Uske ilawa, Swami ji ke lectures hain, class notes, those who have attended his private class notes, they have kept, letters are there, interviews are there, conversations are there, poems are there. A few reports about Swamiji are also there. So all that comes to around 9 volumes, around 3,500 pages. So what is it that you find in this message? Ye jo humne complete works ki baat kahi. Isme kya hai? What is that Swamiji's basic message? So I shall read to you a couple of sentences from Swamiji's complete works. And that will summarize in a way as to what Swamiji's message is. First thing, Swamiji wrote a letter to Sister Nivedita. There he said, you know, Sister Nivedita was Swamiji's Irish disciple. So she was a very intellectual lady, very gifted lady. And so she met Swamiji
इंग्लैंड में मिली थी, वो आयरलैंड की थी, बाद में स्वामी जी के साथ वो भारत आई और अपने पूरा जीवन उन्होंने स्वामी जी के कॉज के लिए दिया। उन्होंने कितने ही जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी इंस्पायर किया। उनको एक लेटर में स्वामी जी ने लिखा है कि माई आइडियल इंडीड कैन बी पुट इन टू ए फ्यू वर्ड्स एंड दैट इज टू प्रीच एंड टू मैनकाइंड देयर डिविनिटी एंड हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। दैट्स द बेसिक मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद, वो है टू प्रीच एंड टू मैनकाइंड दिस डिविनिटी, कि हम वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी एंड माइंड, वी आर नॉट इवन दिस ईगो, वी आर नॉट जस्ट अवर इंटेलेक्ट, वी आर द डिवाइन प्योर कॉन्शियसनेस विद इन अस, जो वेदांत में कहा जाता है चैतन्य। और उस चैतन्य का प्रकाश कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में हो, दिस इज माई आइडियल ऑफ लाइफ। सो हाउ डू यू रियली प्रैक्टिस दिस? सो बेसिकली यू प्रैक्टिस इज बाय कल्टिवेटिंग नोबल वर्चूज, जो हमारे सद्गुण होते हैं, जो जैसे क्षमा है, दया है, निस्वार्थ सेवा है, संयम है, एब्सेंस ऑफ ऑल द लोअर टेंडेंसीज है। ऑल दिस व्हेन वी डेवलप वी आर मैनिफेस्टिंग अवर डिविनिटी। और मान लीजिए हम नहीं करते तो हम ईर्ष्या से भरे रहते हैं, वी आर फुल ऑफ एंगर, वी आर प्रीचिंग एंड नो मेकिंग अदर्स टू बिकम एंग्री, देन वी आर एक्चुअली नॉट मैनिफेस्टिंग द डिविनिटी। ये तो ऊपर से हमने इसको अंडरस्टैंड किया, लेट अस गो डीपर इन टू दैट। स्वामी जी सेज अनदर प्लेस दैट पहले तो है कि डोंट फ्लाई अवे फ्रॉम द व्हील ऑफ दिस वर्ल्ड, कीप फेसिंग लाइफ। तो यू हैव स्वामी जी फोर योगास, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग, दिस फोर योगास, वेयर स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से योग को बड़े ही विस्तार रूप से समझाया है। सो आजकल हम योग का अक्सर समझते हैं योग अर्थात योगासन। स्वामी जी इज नॉट सेड इट इज रॉन्ग, योगासन तो बहुत अच्छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ उससे आगे बढ़े हम तो वी मस्ट ट्राई टू नो गिव ए ट्रेनिंग टू आवर फैकल्टीज। जैसे हमारी इमोशंस हैं, हम उसको जब ट्रेनिंग देते हैं, सो वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू आवर इमोशंस टूवर्ड्स द डिवाइन चैनलिंग वी आर डूइंग, तो उससे क्या होता है, वी आर दिस इज कॉल्ड भक्ति योगा। भक्ति योग में भक्ति के द्वारा हम अपने जो संसारिक चैनल्स में अपनी जो अपनी इमोशंस को लगा के फिर उसमें इतनी सफरिंग, इतनी निराशा आशा में रहते हैं, उसको थोड़ा एक आध्यात्मिक चैनल में डालेंगे तो धीरे धीरे वी डेवलप इनटू भक्ता, ट्रू भक्ता। सिमिलरली कर्मयोग, कर्मयोग का अर्थ ये नहीं कि और ज्यादा से ज्यादा कर्म करना, लेकिन कर्म के साथ ही साथ वी मस्ट हैव द हायर पर्पस। हम क्यों कर रहे हैं, किस व्हाट इज अवर पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है, किस प्रयोजन के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसको हम स्टडी करें एंड धीरे धीरे ये समझे कि हम निरासक्त होकर कार्य कर सके। कि हमें प्रसिद्ध होने के लिए, किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं कर रहे, हम कर्म कर रहे हैं बिकॉज इट इज गुड टू डू एक्शन, वी आर डूइंग एक्शन बिकॉज वी कांट बी विदाउट एक्शन, बट वी डू इट फॉर द गुड ऑफ अदर्स। तो प्रकृति ने जो इतना बड़ा एक चीज बनाई है उसमें हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली यू हैव द ज्ञान योग, ज्ञान योग में स्वामी जी कहते हैं कि हम अपने स्वरूप को पहचाने थ्रू थ्रू अ शार्प प्योर इंटेलेक्ट, वी एनालाइज अवर सेल्फ, मैं हूं कौन, हु एम आई, को हम, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, हम जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ होंगे, या मोर डीपली हु वी रियली आर। सो एन अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ दैट इज कॉल्ड द ज्ञान योग। फर्दर यू हैव गॉट द राजयोग, जिसमें आप सिर्फ ध्यान के द्वारा अपने मन को शुद्ध करके उसको स्थिर करके, योगः चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात अपनी एकाग्रता को डेवलप करें। तो एक तो स्वामी जी का संदेश इस और हम बहुत क्लियरली जो आध्यात्मिक संदेश है हम पाते हैं, उसके साथ ही साथ स्वामी जी का और भी एक व्यवहारिक सामाजिक संदेश है। एंड आई फील ऑल ऑफ द यू नो रिस्पेक्टेड ऑडियंस इन दिस टुडेज दिस ब्रॉडकास्ट, ऑल द लॉयर्स, द रिस्पेक्टेड पीपल, दे आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज सी फ्रॉम स्वामी जी फ्रॉम बोथ एंगल्स।
एक उनका आध्यात्मिक जो पक्ष है वो बड़ा ही गहराई से हमें समझना चाहिए, क्योंकि वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव स्वामी विवेकानंद मैसेज विद अस। अगर वो मैसेज ना होता तो वी वुड नॉट हैव फाउंड द मीनिंग इन अवर लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, डीपर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, फिलोसोफाइजिंग अवर लाइफ, फाइंडिंग ए वे आउट ऑफ पेन, मिजरी, सॉरो। फॉर दैट वी नीड अवर स्पिरिचुअल रूट्स टू बी वेरी स्ट्रांग। ऑन द अदर हैंड और अलॉन्ग साइड, स्वामी जी का एक और दूसरा पहलू है जो हमें समझना है कि कैसे समाज में, देश में, संस्कृति में एक सुधार लाया जाए, और वो सुधार कैसे लाएं। इसके लिए स्वामी जी का सबसे बड़ा जो मैसेज है कि वो वी मस्ट डेवलप ह्यूमन बीइंग्स, मैन मेकिंग, डेवलप ह्यूमन बीइंग्स। ओनली मेकिंग लॉज, ओनली मेकिंग सिस्टम्स, ओनली क्रिएटिंग सच सोशल यू नो प्रोसीजियर्स विल नॉट हेल्प। इनके अपनी एक स्थान है, वी रिस्पेक्ट देम, बट दैट विल नॉट सॉल्व एवरीथिंग। इवन द बेस्ट ऑफ द सिस्टम विल गो रॉन्ग इफ द ह्यूमन बींग्स आर नॉट देयर टू रन इट प्रॉपरली, बेस्ट ऑफ द सिस्टम। सो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो आजकल की टर्मिनोलॉजी है कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे डेवलप किया जाए। सो ह्यूमन कैपिटल में डेवलपमेंट की बात सब स्वामी जी कहते हैं, तो इसे डेवलप स्ट्रेंथ, डेवलप फियरलेसनेस, डेवलप लव फॉर द कंट्री एंड ए सेंस ऑफ सर्विस फॉर ऑल, ए सेंस ऑफ अनसेल्फिश सर्विस फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सर्विस की बात है। स्वामी जी को तो एक किसी ने, एक बड़े प्रसिद्ध विचारक ने उनको ये भी कहा कि ही इज द प्रॉफिट ऑफ अनसेल्फिश सर्विस। उन्होंने जो बात की प्रारंभ से ही कि धर्म सिर्फ पूजा तक नहीं होना चाहिए, हम जो पूजा के साथ साथ सेवा होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। है आपके पास अपने पैसा दिए तो पैसे का अर्थ सिर्फ हम एक एक पूजा कर ले और हम कहें कि हम बहुत धार्मिक हो गए, कि प्रसाद खिला दिया, तभी आप पूर्ण रूप से धार्मिक होंगे। वेन यू ऑल्सो हेल्प द नीडी पीपल, दे नीडी कुड बी एट डिफरेंट लेवल्स, दे आर फिजिकली नीडी और दे नीड हेल्प फॉर देयर स्टडीज, दे हेल्प फॉर दे नीड सपोर्ट ऑफ सम काइंड, और दे नीड स्पिरिचुअल और मॉरल सपोर्ट। एट डिफरेंट लेवल्स वी कैन सर्व देम। तो दिस इज दी वन आइडियल जो रामकृष्ण मिशन, द रामकृष्ण ट्रेडिशन, वी आर ट्राइंग टू फॉलो इट इन अवर ओन हम्बल वे। सो स्वामी विवेकानंद ने जो उद्देश्य, जो एक स्लोगन दिया था वो है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मनो मोक्षार्थम, फॉर योर ओन डेवलपमेंट अल्टीमेटली यू शुड अटेन मोक्ष। एंड बिफोर, इट्स नॉट दैट मोक्ष मतलब कोई, इट डजंट मीन डेथ, मोक्ष डज नॉट मीन डेथ। मोक्ष मीन्स दैट वी हैव बिकम फ्रीड फ्रॉम ऑल इग्नोरेंस। अब दिस इज लार्जर सब्जेक्ट, इट सिंपली मीन्स बिकमिंग फ्री फ्रॉम कर्मा, बट बिफोर दैट यू हैव टू प्यूरिफाई योर सेल्फ। भगवद गीता में आता है योगिनः कर्म कुर्वन्तु आत्मशुद्धये। जो योगी होते हैं, जो साधना करते हैं, चाहे वो कर्मयोगी हो या ज्ञान योगी हो, वो जो भी क्या काम करते हैं वह अपनी शुद्धि के लिए करते हैं। सो वी डू अवर सेवा टू अदर्स फॉर अवर ओन बीइंग, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इट्स नॉट टू ओनली डू सम सोशल सेवा एंड देन लाइक सम क्लब फॉरगेटिंग इट एंड पब्लिशिंग अवर पिक्चर इन सम फेसबुक एंड सेइंग आई हैव डन सम सेवा। वेल यू कैन डू दैट, पब्लिशिंग द पिक्चर, इट माइट हेल्प समबडी एल्स, किसी को इंस्पायर हो सकता है, मिल जाए उससे इंस्पिरेशन मिले एंड ही मे ऑल्सो डू सम कॉन्ट्रीब्यूशन, बट मेन थिंग इज हाउ सिंसियर वी आर इन हेल्पिंग अदर्स। So it could be by giving clothes or by giving food or by removing their, you know, need of that they need some support in coming up in picking up a career, different ways of doing seva. So this unselfishness and unselfish seva is one basic message of Swamiji's, which we need to follow, which we need to understand. और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि message of strength, मैन मेकिंग एंड मैसेज ऑफ फियरलेसनेस। एक जगह स्वामी विवेकानंद कहते हैं
that fearlessness is what our scriptures teach. They say abhihi. He uses the word abhihi. Abhihi. Abhi matlab nirbhay. Abhay. So aap nirbhay hoke, abhay hoke, apna karya prarambh kijiye. Asal mein Vedant mein भगवान को ही अभय कहा गया है. कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, कहते हैं अभयम् प्राप्तोऽसि वै जनकः. ओ राजा जनक, तुमने भगवान को जान लिया है क्योंकि तुम अभय, सब प्रकार के भयों से मुक्त हो गए हो. सो दैट वॉज वन थिंग विच स्वामी जी टॉट अगेन एंड अगेन, एंड ही स्पोक द ग्लोरी ऑफ इंडिया. तो उनके देयर इज नो अदर लैंड लाइक इंडिया. ही वॉज द वन पर्सन हु स्टूड अप ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एट ए टाइम व्हेन वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल एंड विद सच यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डिक्लेयर्ड आई एम एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई बिलोंग टू ए नेशन. दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर विच स्वामी जी गेव शिकागो में, जिन्होंने अपना इनॉग्रल एड्रेस में यही बात किया. आई बिलोंग टू ए कंट्री, आई बिलोंग टू ए ट्रेडिशन विच इज लाइक दिस. सो ही ऑलवेज रेफर टू द कंट्री फ्रॉम वेरियस कम. ही इज नॉट स्पीकिंग ऑफ हिज पर्सनल सक्सेस कि हाँ मैं यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गया, मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ. नॉट लाइक दैट. ही वॉज स्पीकिंग अबाउट हाउ बेस्ट आई कैन फोकस ऑन माई कंट्री एंड ही वॉज सच ए रिमार्केबल नॉलेज अबाउट इंडिया ही हैड. जैसे कि मैंने कहा कि वो स्वामी जी बहुत ट्रैवल किए, उससे उनको बहुत कुछ मिला. साथ ही में स्वामी जी हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे. हिज नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज अनपैरेलल्ड. ही हैड हाउ ही रेड सो मच वी डू नॉट नो. ऑफ कोर्स ही वाज अ कांस्टेंट रीडर. देयर आर मेनी इंसिडेंट्स ऑफ हाउ क्विकली ही वुड रीड ए बुक और कितनी स्पीड से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे. ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं. और इसी तरह उन्होंने भारत के विषय में, फिर भारत में जो चीजें जो परिवर्तन लाने हैं, कहते बहुत से लोग हैं जो दे जस्ट स्टैंड अप एंड क्रिटिसाइज इंडिया. ही सेज दैट्स नॉट द वे ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. ट्राई टू डू समथिंग फॉर द गुड ऑफ अदर्स. उन्होंने एक बार कहा था, यहाँ बहुत से रिफॉर्मर्स हैं, दे आर ऑल वॉन्टिंग टू डू सम रिफॉर्म्स, बट आई एम ए ग्रेटर रिफॉर्मर. स्वामी विवेकानंद सेड आई वॉन्ट रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म. रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म मीन्स गोइंग the total inner transformation should happen. So he spoke of man making education and man making religion. So these are a few ideas on Swamiji's birthday we can always remember. In closing my talk, I would say what's the takeaway, what we should we remember about Swamiji? First thing Swamiji said, remember your divinity, have a divine self image. Apne aap ko ek just material commodity to be traded in the market, we should not reduce ourselves to. We should remember our divine consciousness. Ki hum basically we are the Sat Chit Anand. This is the one thing. Second thing, have self confidence. Have complete faith in yourself. Swamiji says, there's a person who says, I am a Nastic. Why? Because the old religion says that one who says that I don't believe in God, so I'm a Nastic. Swamiji said, but the real Nastic is one that when you don't believe in yourself. So have faith in yourself. That was the second thing we can remember. Third thing, that try to keep your mind well focused. Isko kahta hai ki, take care of distractions. See that our mind does not become too distracted. We remain focused in our ideal, focused in our inner self. We develop the power of concentration. And fourth, that is love for India. How Swami Vivekananda always spoke of, kisi ne unse pucha tha, Swamiji, what I can do for you? His immediate answer was, love India. You want to do something for me? Love India. Because he had identified himself with India with so well, so deeply, so profoundly. And finally, he said, learn to serve others. So religion does not mean only rituals. Rituals have got their importance. But more important than that is when we have learned to see divinity in others and try to help them. So he devised a new term called Shiva Gyan Se Jeev Seva.
try to serve others because they are all manifestations of God. So these takeaways we can remember, and on this very auspicious and very very memorable day, we are all here remembering Swami Vivekananda. It's our great blessing. So thank you very much for the invitation, and I'm sure these few things which I have shared with you will be of help to you. Thank you very much. Namaste. Thank you so much, Swamiji, for enlightening us through your words of wisdom. We are grateful for this beautiful discourse. Swamiji, with your kind permission, can we proceed to question and answer session? Welcome. Swamiji, the very first question is from Umesh Sharma. He asks, Swamiji, can you please enlighten us that how can we control our emotions? Controlling emotions is a very important task before any grown-up human being. Even for a person who is not grown-up also, he has to learn to control his emotions. As I understand it, most of us, we suffer because we have too much of expectations. So if we can first scale down our expectations, दूसरों से बहुत कुछ चला चाहते हैं. We expect that he should be like that, situation should be like that, life should be giving me all these things. I have worked so hard, I have come up to this thing, why life is not opening up? So my emotions may be disturbed. Or somebody may speak up some word and I can lose my temper. So emotions can be disturbed. So let us try to first of all scale down our emotions, our expectations. Second thing, let us understand what the human beings are. Very few human beings we will find who are really unselfish. So we should not be surprised if people hurt us, because very few people are unselfish. Second is, even when they are unselfish, we can be sometimes very negative in our thinking, and we go on complaining for every small little thing in life. तो हमारी डिस्टर्बेंस, हमारी इमोशंस है ना, वो सब डिस्टर्ब हो जाती. सो वाई गो ऑन कंप्लेनिंग? जस्ट सी द बेटर साइड ऑफ लाइफ. इफ यू गो ऑन कंप्लेनिंग, वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग. सो देन वी विल फाइंड डिफेक्ट्स इवन इन स्मॉल लिटिल थिंग्स. द बेस्ट ऑफ द जो खाना है उसमें भी हम, हाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. बेस्ट ऑफ द रूम और द बेस्ट ऑफ द लाइब्रेरी. Once I visited the library of a famous business school, तो इतना सुंदर library था. मैंने कहा अरे वाह, यहाँ तो carpet लगे हैं, यहाँ पे इतना सुंदर बैठने की व्यवस्था है. And the person who was showing me around, he was the deputy director, he said, oh, is it so? We always keep finding fault with our library. So we should not have a negative mindset. So one thing is that we must bring change in our outlook. Instead of always fighting with people and asking them to change their behavior, let us look within and try to find that inner peace, inner silence, which is our real nature. जैसे मैंने अभी अभी आपसे जो share किया उसमें कहा, let us not forget that we are divine, which means we have all the great qualities which we are seeking outside present within us. So the more we focus on that, the more inner peace we will have. आजकल तो meditation या फिर mindfulness को लेके बहुत सी practices है, western countries में भी बहुत है, हमारे देश में भी बहुत है. तो main basic thing is that we should try to keep our mind filled with something positive and remain relaxed about things. You don't have to get excited about many things. So that's how we can start controlling our emotions. Swamiji, Janak Chauhan asks, how to enhance concentration? So concentration is an issue for all of us. Kaise karenge isko? So we need concentration, whether we are studying or whether we are doing any action. Suppose you are cooking. Agar usme bhi aapka mind distracted ho jata hai, to cooking itni achhi nahi hoti. You are driving. So in some cases, we need more concentration. Now the point is, how do we improve our concentration?
as a very specific advice, I would say, let us not get distracted by the digital technology too much. The first thing. So whether it's a WhatsApp or a Facebook or any of these social platforms, we should find it very, I mean, we'll have to devise our own means. Sab samay unse, acha koi message aaya ki nahi? Why should I be checking all the time? Why should I be all the time watching the YouTube? I need not be. I must develop my hours when I just don't need any distraction from anybody. So that's very important thing. ये एक तरह की बीमारी है, बहुत फैल रही है. उस दिन मैं नो आई वाज सीइंग सम डेली वेज अर्नर्स, सम लेबरर्स. सो ये डेली लेबर्स जो होते हैं वो भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे. यंग लड़के वो भी अपना बैठ के दे आर प्लेइंग सम गेम. प्लेइंग योर गेम एट सम टाइम इज ओके, बट दे फाइनली हैड टू बी डिसमिस्ड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू वर्क. So how it is, distraction is coming into our life. So this is the first thing. Second thing, let us every day practice some inner concentration. Inner concentration ka arth hai, samanyata hamara jo concentration hota hai, bahar hota hai. We focus on a book, or we focus on an issue, we focus on something external. So do we focus it within, which we close our eyes? We call it meditation, we call it quiet sitting, and try to visualize your inner peace, inner calm. So around 10 or 15 minutes of this kind of sitting quietly every day should help you to improve concentration. And third thing is, whatever we do, let us do it with concentration. Whether you take a broomstick and clean the room, or whether you dust books, or whether you drive a vehicle, or you read a book, let us give our whole mind to it. Jitna ho sake, dhire dhire, we will be able to give a better sight to our concentration. Swamiji, Anupama Sharma ji asks, Swamiji, that what is divine consciousness? Right. कॉन्शियसनेस हम सब समझते हैं, जैसे हम सब कॉन्शियस हैं, मेडिकली हम सब कॉन्शियस हैं. सो हमारी आंखें खुली हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू समबडी कॉल्स माई नेम एंड और आई सी समथिंग गोइंग बिफोर माई आईज, सो आई एम कॉन्शियस ऑफ इट. सो दैट्स वन टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, वी कॉल इट एज जागृत अवस्था. अच्छा, जागृत अवस्था तो एक अवस्था हुई, हमारे पास और एक थर्ड सेकंड अवस्था भी है जब हम ड्रीम स्लीप में होते हैं. हम सो रहे होते हैं लेकिन स्वप्न देख रहे होते हैं. मे बी दे आर मोस्ट ऑफ इट इज ऑल यू नो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑल काइंड्स ऑफ सारा दिन में जो काम किया होता है या जो इच्छाएं होती हैं वो सारी मिक्स होके एक ड्रीम का रूप लेती हैं. दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग दैट हैपेंस विद ह्यूमन बीइंग्स. I'm not speaking of dream that we have in terms of ambition. हर व्यक्ति के पास में एक स्वप्न होता है कि वो कुछ बन जाए. I'm not speaking of that dream. I'm speaking of the second, that is सुषुप्ति अवस्था, the dreams, the dream level. Third is the सुषुप्ति, deep sleep. उसमें कोई dreamless sleep है. तो ये तीन stages हैं. इन तीनों stages में एक एक I है, मैं हूँ, मैं present हूँ. I am present in these three. I am present when I am awake. I am present when I am dreaming. So, मैं कहता हूँ उठ के, देखो मैंने एक सपना देखा. मतलब मैं था वहां पे. तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक सपना देखा. And similarly, when I go to deep sleep, I get up and say, oh, I had a wonderful sleep. मैं घोड़े बेच के सो गया था. So, this I is present in all three stages. Who is this I? What is this I? When you investigate deeper into it, this I, not ego. Ego होता है ना कि मेरे को अहंकार है, कि मेरे पास पैसा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इंग्लिश में बात करता हूं, मैं सुंदर हूं, इत्यादि इत्यादि. There are hundreds of things to become proud of. तो वो उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बात दूसरी बात है, एक सेल्फ इमेज वाली दूसरी बात. What is this real I? When we go and investigate, जो हमारे शास्त्रों में स्पेशली
मांडुक्य कारिका में और मुंडक उपनिषद में इसमें बहुत चर्चा की गई है और कहा है कि दिस रियल आई इज दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस विच यू आर आस्किंग, डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसको हम सत्चित आनंद कहते हैं। इस प्रकार से आध्यात्मिक सत्यों का विश्लेषण और किसी भी परंपरा में नहीं है जितनी कि सनातन परंपरा में। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक हेरिटेज विच ऑल ऑफ अस आर हैविंग, लेट अस प्रिजर्व इट। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इसको कौन पढ़ेगा? इफ वी डोंट ट्राई टू गो डीपर एंड रिक्लेम अवर ओन इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ अवर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, who else is going to take it? It will get destroyed. That should not happen. Swami Vivekananda ne ek sundar baat kahi thi Bharat ke bare mein. Unhone kaha tha ki will India die? He says if India dies, then what will happen? I'll read that paragraph. Of course, it's not connected to your question, but I'll read that few things. He says, Swami Vivekananda ne kaha tha, shall India die? Then from the world, all spirituality will be extinct. All moral perfection will be extinct. All sweet-souled sympathy for religion will be extinct. All ideality will be extinct. And in its place will reign the duality of lust and luxury as the male and female deities, with money as the priest, fraud, force and competition its ceremonies, and the human soul its sacrifice. Such a thing can never be. So that's it. So let us preserve this inner investigation which our scriptures have taught us. उसी में हमको डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसको हम चैतन्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट इन्वेस्टिगेशन, यू विल हैव टू लिव ए प्योर लाइफ, ए डिसिप्लिन मॉरल लाइफ टू रीच दिस पॉइंट। स्वामी जी, सुचित्रा ठाकुर जी आस्क्स, भारतीय महिलाओं के बारे में स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी के मुख्य विचार उनके उत्पन्न पे, उनके उत्थान है? उत्थान पे कृपया बताएं, कृपया बताएं। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। स्वामी विवेकानंद का के समय और अभी तक काफी अंतर आ गया है, 125 साल हो गए। तो हमें पहले तो स्वामी जी की स्थिति में उन्होंने क्या कहा था महिलाओं के बारे में समझना चाहिए। पहले तो स्वामी जी तो एक सन्यासी थे, तो सन्यासी होके वो महिलाओं के बारे में कैसे उन्होंने अपने विचार रखे, इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि स्वामी जी उस समय अल्मोड़ा में थे, तब वो पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे एज ए परिव्राजक, वो सब जगह जा रहे थे। तो उस समय एक खबर आई, उनकी एक बहन थी और वो बहन शी वॉज परहैप्स बींग फोर्स्ड इनटू सती। उनके हस्बैंड चल बसे, तो उस जमाने में तो डेथ ऑफ द यंग पीपल वॉज कॉमन, क्योंकि कोई मेडिसिन वॉज नॉट मच अवेलेबल। थोड़ा सा बुखार हुआ चल पड़े, थोड़ा सा पेचिश लग गई पीपल डाई, वेरी यू नो द सो द यंग लेडीज, उनके लिए कोई एजुकेशन थी नहीं बिकॉज ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल रीजन्स। ये नहीं कि भारत में कभी हिस्टोरिक लेडीज के लिए कुछ रहा नहीं, वी हैड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऋषिज वर लेडीज एक्चुअली, स्वामी जी इसको अपने शिकागो भाषण में कहते भी। तो शी एक्चुअली डाइड, शी कमिटेड सुसाइड। इट डीपली शुक स्वामी विवेकानंद, दो ही वॉज ए मॉन्क, ही हैड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज सिस्टर, सो ही स्टार्टेड थिंकिंग डीपली अबाउट विमेन। और जब भी भारत में जहां भी गए उन्होंने बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, इसे अवर लेडीज अवर विमेन दे आर लाइक देवीज देमसेल्व्स, लेकिन उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है। और जब स्वामी जी अमेरिका में, कुछ पत्रों में उन्होंने लिखा भी है कि कैसे वी मस्ट डू समथिंग फॉर विमेन फर्स्ट इवन मोर देन फॉर मेन। एक बहुत सुंदर एक ऑब्जर्वेशन है स्वामी जी की, वी मस्ट ट्राई टू एजुकेट द विमेन। उन्होंने कहा मान लीजिए आप एक लड़के को शिक्षा देते हैं, तो क्या होता है, आप एक लड़के को शिक्षा देते हैं। अगर आप एक लड़की को शिक्षा देते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षा देते हैं। दैट इज वॉट स्वामी विवेकानंद से, कितनी सुंदर बात है, क्योंकि पूरा परिवार उस शिक्षित महिला से
प्रभावित होगा। तीसरी बात, स्वामी जी ने कहा कि लेट अस नॉट ट्राई टू गाइड द विमेन टू मच बट फ्री देम, दे विल फाइंड देयर ओन सॉल्यूशंस, दे आर कैपेबल ऑफ दैट। तो हम वी नीड नॉट बिकम देयर यू नो इमेनिसिपेटर, हम उनको बचाएंगे कि विमेन है उनको हमको रास्ता दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद का ओपिनियन था कि वो यू मस्ट गिव देम फ्रीडम, दे विल फाइंड देयर ओन सॉल्यूशंस, दे विल फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व देयर वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो इसी को मन में रख के स्वामी विवेकानंद ने जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, उन्होंने एक शारदा मिशन को या शारदा मठ को स्थापना करने की अभी प्रपोजल दिया था, विच कुड नॉट बी डन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बट इट वॉज डन इन 1953, दैट इज द सेंटेनरी ईयर ऑफ होली मदर श्री शारदा देवी, दैट वॉज दी शी वॉज दी यू नो दी धर्म पत्नी ऑफ श्री रामकृष्ण। सो इन दैट शारदा मठ, इट इज जस्ट लाइक यू हैव गॉट फॉर दी मेन रामकृष्ण मिशन, फॉर वुमेन यू हैव गॉट दी शारदा मठ। एंड उनके लाइफ टाइम में उन्होंने सिस्टर निवेदिता को बहुत प्रोत्साहन देके एक स्कूल शुरू किया था जिसको सिस्टर निवेदिता गर्ल्स हाई स्कूल कहा जाता है। तो दैट वॉज द डे वेन वी वर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द कॉलोनियल हैंगओवर, वी वर जस्ट बिगनिंग। उससे पहले इफ यू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव ए वेरी क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री हाउ एजुकेटेड अवर वुमेन वर, बट ओवर द ईयर्स इतने अटैक्स हुए, इतना कुछ चेंज हुआ, वी हैड टू प्रोटेक्ट देम बिकॉज दे वर बिकॉज वुमेन आर द वेरी पिविटल ऑफ द फैमिली, सो दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड। तो इसलिए वो मानो उनको कोई एजुकेशन ही नहीं दी जा रही थी। All these things happened. And another thing, जो जिसको बहुत हमें हम अक्सर समझ नहीं पाते कि जो women ideal है, स्वामी जी ने दो लेक्चर दिए हैं, एक है women of India, उसमें और एक लेक्चर है उसमें उन्होंने भारतीय महिलाओं के बारे में विशेष रूप से अपनी बातें रखी हैं। उसमें एक जगह कहते हैं कि women को दो तरह से देखा जाता है, एक western ideal है और एक Indian ideal है। In the Western ideal, women is there, the wife ideal is the highest. In the Indian ideal, it is the mother ideal which is the highest. Achha, wife ideal matlab, as a wife, she stands supreme. Woman stands supreme as a wife. Motherhood is not that important. So, whereas in India, maa ki badi बहुत इंपॉर्टेंस ट्रेडिशनली दी गई है, मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। तो इसलिए यहाँ पे एक वी हैव दी मदर विच स्टैंड सुप्रीम इन द हाउस, नॉट द वाइफ। फिर स्वामी जी कहते हैं अच्छा हमें क्या करना चाहिए, कहते हैं परहैप्स वी हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ द बोथ, वी हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ द बोथ। सो देर आर सर्टन क्वालिटीज ऑफ वुमेन विच आर मैंशनड इन द भगवत गीता, सो दैट इज श्री स्मृति एंड ह्रीहि, ये छह क्वालिटीज वहां एक जगह मेंशन की गई। तो वी शुड ट्राई टू डेवलप देम एंड गिव देम रिस्पेक्ट एंड गिव देम फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन आइडियाज। सो इट्स अ वेरी प्रोफाउंड सब्जेक्ट। इसके ऊपर स्वामी जी के 1953 में रामकृष्ण मिशन से एक बड़ी किताब भी निकाली, द ग्रेट विमेन ऑफ इंडिया, इट्स अराउंड 700 पेजेस बुक। तो आप देखेंगे उस किताब में ग्रेट विमेन ऑफ इंडिया बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, उसमें स्वामी जी के विचार इसके बारे में और भी डिटेल में दिए गए। स्वामी जी, मोहित शर्मा जी आस्क्स हाउ टू डिराइव अ बैलेंस बिटवीन अ पर्सनस स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट्स एंड मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस इन आवर डेली रूटीन स्केड्यूल। What you possibly mean is that a person, how should he keep himself spiritually anchored and yet carry on his career, his family duties? So basically, we should have a very clear orientation
as to what do we want in life. We want only the worldly things, then spirituality has got, it gets into the back burner or even beyond that. But if we want to combine both, first thing is we must try to practice detachment. That's very important for any spiritual seeker. Ki Shri Ramakrishna Dev kehte the, you know, you have, for instance, you have to cut the jackfruit. कटहल काटना है तो कैसे काटेंगे उधर हाथ में थोड़ा तेल लगा लो अदरवाइज द स्टिकी मिल्की थिंग विल गेट सो स्ट्रक यू कैन नॉट कट द जैक फ्रूट सो वी सिमिलरली व्हेन वी आर इनटू द वर्ल्ड वी विल गेट अटैच्ड एंड दिस अटैचमेंट विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस इतना अटैच्ड हो गए ही इज रियली यू कांट इवन स्लीप प्रॉपरली एट नाइट यू कांट इवन हैव अ पीसफुल लाइफ So certain detachment is part of any healthy human being. Or spiritual life mein toh bahut jyada importance. So try to practice a certain amount of detachment in life. That's very important. Detachment to your achievements, material achievements, detachment to your name and fame. Certain detachment is very necessary for calmness of mind. Secondly, try to practice, give some time only for yourself in a spiritual sense we every day should spend some time in meditation reading bhagavad gita I specifically say please read gita and swami vivekananda's works or ramcharitmanas read something which will give you a sense of spiritual authentic spiritual reading authentic it's very important So spend let us keep some half an hour or 45 minutes for us at any cost. It is not that it is not possible. It is possible. For you know, मेरे को जैसे आपने आरंभ में कहा that I was in Chennai for a long time. So there was a director of the Chennai at that time, IIT Madras. The director is such a responsible person, a responsible post. So he has to spend time in solving many ticklish and many tedious issues. But he will never miss his morning puja at home. Around morning, half an hour to 1 hour was his time for puja. And he would not allow any distraction to be happened or any compromise to be happened in that direction. So that's the point. Hamare paas time hota hai, we don't make best use of it. So if you can follow these two or three things, it will be very helpful. And finally, let us offer all our fruits of action to God. Achha hua to bhi Shri Ram atwa Shri Krishna ya Devi, jisko bhi hum mante hain, let us arpanam astu, tera tujhko arpanam astu. So that will make the mind free. We will not be carrying that to burden of emotions with which I did this, I did not do, I could not do this. Both good and bad, failure, success, everything we offer to the Lord and say, I just want pure love and devotion in my heart. I don't want to keep them very heavy on my heart because after all, they are nashwar. All success is nashwar. It is not going to be with us forever. So keeping this in mind, we should practice this sense of self-surrender to God. So these three or four things should help us in our spiritual life. Swamiji Janak Chauhan ji asks, how to reform the life of those youngsters who have been overwhelmed by material world? I think most of these young people who get into too much of overwhelming of the world, it is because they have not been finding proper role models before them. So let us first of all ourselves become a role model. You are given to some material thing and you ask the young man to give up, he would not. So first of all, let us ourselves become a good role model of how to live a spiritual life, freed from material things. Second thing, there is a certain amount of material enjoyment which a young man will find it quite okay for him. But the moment he steps into a very addictive behavior, he is losing himself.
So we must learn to guide him towards some better literature, better goal of life. You know, young people want a very, I would say, a very appealing answer to their queries. यानी कि सब समय तर्क पे आधारित हो, तर्क तो होना ही चाहिए. It should be related to something which appeals to them. They are able to connect. So you can introduce to those young people to Swami Vivekananda's works. You can introduce them to something higher. Talk to them, those young people. Giving time to a young person is also a great seva to him. And making him sit and said, "Come on, my dear young boy or a young girl, come, let me listen to you. How is your things going on?" Developing a rapport with them, then they will, many times they will be interested in spiritual life. They also, we can use our brain and see, word is after all not going to last forever. So jawan hai, you are young, but this jawani is also given for some days, for some years. Shri Shankaracharya apne ek, in Mantritaises, he says, "Ma kuru dhana jana yauvana garvam, harati nimeshat kalaha sarvam." Dhan, jan, yauvan. Ye tino pe itna maan mat karo. Harati nimeshat kalaha sarvam. Kal sab kuch gras jata hai. So make them understand this. So they will slowly learn to take up spiritual life. Guidance is very important. Guidance is very important. Now I call upon Advocate Dikan Thakur to deliver the vote of thanks. Very good evening to all my Adivakta brothers and sisters. It is a pleasure to me to deliver vote of thanks on event organized by Adivakta Parishad of Himachal Pradesh on 159th birth anniversary of Swami Vivekananda ji. सेलिब्रेटिंग एज नेशनल यूथ डे. जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में जो संदेश दुनिया को दिया, जो विचार दुनिया को दिया, वो एक किसी लेक्चर में उसका समावेश कर पाना जो है मुश्किल है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन जो है गागर में सागर की जो कहावत है उसका एक जीवंत स्वरूप हम देख सकते हैं. I would like to special thanks to main speaker Swami Atma Shraddhananda ji, Secretary Ramakrishna Mission Ashram Kanpur Uttar Pradesh. आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें इस कार्यक्रम में रहने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम के हम सभी साक्षी बने हैं. स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन, वेदांत, उनके संदेश विषय पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जो विचार रखे उन सबको हमने सुना और आशा करते हैं कि उन विचारों को हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे. आप सभी अधिवक्ता भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद. और जो हमें इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से यूट्यूब पर सुन या देख रहे हैं वो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं. जो हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, जिससे हम इन फ्यूचर कोई भी इस प्रकार का वर्चुअल कार्यक्रम करें उस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक जल्दी जो है पहुँच सके. आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. धन्यवाद जी.